हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट के बाद गोद लिया बच्चा भी कर्मचारी की फैमिली पेंशन का हकदार। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। किस तरीके से ये फैसला कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर सरकारी कर्मचारी द्वारा गोद ली गई बेटी या फिर बेटे को फैमिली पेंशन से इनकार करने के हरियाणा सरकार के फैसले को गलत करार देते हुए इसे खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अब सरकार को 2006 में पिता की मौत की तारीख से फैमिली पेंशन जारी करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए यमुनानगर निवासी राजबाला ने हाईकोर्ट को बताया कि गुग्गू राम PWD में बेलदार के तौर पर काम करते थे। 1993 में वे रिटायर हो गए थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके बाद उन्होंने याची को 1995 में गोद लिया और उसके दस्तावेज तैयार करवा लिए। याची ने आगे बताया कि 2006 में उसके पिता की मौत हो गई और 2017 में याची ने फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया। फैमिली पेंशन यह कहते हुए इनकार कर दी गई कि याची को उसके पिता ने रिटायरमेंट के बाद गोद लिया था, ऐसे में वह पेंशन की हकदार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट से पहले गोद लिए गए बच्चे और बाद में गोद लिए गए बच्चे में भेदभाव करना संविधान के खिलाफ है। यदि ऐसा किया गया तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गोद लिए गए बच्चे को परिवार की परिभाषा से बाहर करने जैसा होगा। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि याची मृतक पिता की कानूनन बेटी है और ऐसे में फैमिली पेंशन के लिए वह पूरी तरीके से पात्र है। हाईकोर्ट ने अब अपने फैसले में हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि याची के पिता की मृत्यु की तिथि से उसे फैमिली पेंशन की लंबित राशि जारी की जाए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आगे ये भी कहा कि अब याची ने अपने पिता की मौत के 11 साल के बाद फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया है, ऐसे में वह इस राशि के ब्याज की हकदार नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा ये महत्वपूर्ण फैसला दे दिया गया है कि यदि एक सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद में भी किसी को गोद लेता है तो वह बच्चा फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार होगा और उसे सारे पेंशनरी बेनिफिट भी दिए जाएंगे। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस फैसले के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने